और आज हमारा सामना गुंडों से है, मवालियों से है, जो सरकार के अंदर जनता को, देश की मालिक को धोखा दे के किसी प्रकार से बैठ गए। तो मैं सबसे पहले तो देश की जनता को, जो देश की मालिक है और जिससे गुहार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट के चार जजेस ने कि हम पे दबाव है, आप हमारी रक्षा करो, तो जनता ने उसकी देर में सही, सुप्रीम कोर्ट की देर में ही सही सुनवाई की। और जो जनता की अदालत है, सबसे बड़ी अदालत, उसने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये देश की जनता ने कहा, ये फैसला, मैं देश की जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज ये हौसले वाला फैसला देश की जनता के आश्वासन के बाद आया है, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे ये यकीन है कि मैं इसमें गलत नहीं मान रहा हूँ, सही मान रहा हूँ, वरना ये फैसला आना इतना आसान नहीं था। देश की जनता ने अब कह दिया है सुप्रीम कोर्ट और हर संस्थान को, ईमानदारी से काम करो, बहादुरी से काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी से, अब इसलिए ये फैसला आया। और ये फैसला क्या है, मैं उसी देश की जनता के मालिकों को उनकी आम भाषा में, उनके समझ में आने वाले तरीके से बताना चाहता हूँ। भानु जी ने सारे एक्ट बता दिए, जो गैर संवैधानिक करार दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। गैर संवैधानिक का मतलब क्या हुआ, संविधान को तोड़कर, संविधान का उल्लंघन करके, गैर संवैधानिक तरीके से, ये जो मनुवादी लोग हैं और जो ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का ये क्राइम किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्राइम डिक्लेयर किया है, संविधान के विरोध में डिक्लेयर किया है, संविधान के उल्लंघन में डिक्लेयर किया है, देश की डेमोक्रेसी चलाने वो बचाने के लिए उसके साथ, इस प्रोविजन के साथ धोखाधड़ी करके, जो अडानी अंबानी जैसे चोर और बदमाश लुटेरे, इनके जो क्रिमिनल्स हैं, जो इंडस्ट्रीज़ की शक्ल में नज़र आते हैं, उनका प्रावधान, ये 20,000 रुपये वाले प्रावधान के साथ जोड़ के इन्होंने ये कहा कि कोई 1,000 करोड़ दे, 2,000 करोड़ दे या 10,000 करोड़ दे, उसकी भी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज की जाएगी। ये शरारत, ये बेईमानी, ये क्राइम सरकार ने किया था, जिसको एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार ने घोषित, सुप्रीम कोर्ट ने किया है घोषित, ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये फ्रॉड करने से सुप्रीम कोर्ट के साथ इलेक्शन कमीशन नहीं डर रहा है, तो ये अपराधी हैं या कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट ने उनका अपराध पकड़ के हाईलाइट किया कि झूठ मत बोलो तुम, हमारा ऑर्डर कुछ और था, सब कुछ देने का था, तो एक तो सब कुछ देने का आदेश किया। दूसरा, अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, आप सब लोग भी तैयार हो जाइए और हम लोग भी तैयार हो रहे हैं, दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। मार्च के महीने में, जब 3 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन के पास आ जाएंगी और उसको अगले हफ्ते में पब्लिश करना है। तो जिस जिस देश के गद्दार इंडस्ट्रियलिस्ट ने धोखाधड़ी करके ये पैसे दिए ना, चोरी छुपे करके, उस सब के खिलाफ क्रिमिनल केसेस करने का टाइम अब आ गया है, उन सब लोगों को जेल में भिजवाने का काम किया जाएगा, जो हवाला के माध्यम से, अभी दूसरा आस्पेक्ट और है, अब ये जो डिटेल्स बैंक के माध्यम से दी जाएंगी, ये ईडी का काम है, हम लोग ईडी का भी घेराव करेंगे कि अब तय करो कि ये अडानी की कंपनी कौन थी, फ्रंट कंपनी कौन थी, और किसने भारतीय जनता पार्टी को 90% पैसे क्यों दिए हैं, क्या कोई और पार्टी अच्छी नहीं लग रही है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये भी कहा है, दो वजह होती है पैसे देने की, एक होती है किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से लगाव, और दूसरा होता है चोरी, कि ये पॉलिटिकल पार्टी क्योंकि जीत रही है या हमारे फ्रॉड करने में मदद करेगी, इसलिए हम इसको पैसे से भर दें, ताकि ये गलत या सही, ये इन केन प्रकारेण फ्रॉड, धोखाधड़ी, चीटिंग करके सत्ता में आए और देश को लूट के हमें पैसा दे दे। दो तरीके सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी की भाषा में बता रहा है। तो बुरी चीज़ ये नहीं है कि जो लोग अपनी आइडियोलॉजी की वजह से पैसे देते हैं, बुरी चीज़ ये है कि धोखाधड़ी करने से, देश की जनता को लूट कर पैसा चुराने की वजह से जो पैसे दिए जाते हैं, और उसमें अडानी अंबानी और उन जैसे बहुत सारे लोग अब पकड़े जाएंगे, देश की जनता और जो हमारे जागरूक नागरिक हैं, डेटा एनालाइज करने के लिए तैयार हो जाएं, इस काम पे हमने फौरन लग जाना है। और एक एक बीजेपी और आरएसएस के व्यक्ति को, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से चोरी की है, ऐसे लोगों से फ़ायदे उठाए हैं, उनको पकड़ के जेल में भिजवाने की कार्रवाई हम करेंगे। या दूसरी बात यह है कि ये तो हो गई सिर्फ जो बातें नज़र आ रही हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, एक बड़ी मुहिम देश में इस बात की भी चलनी चाहिए, कौन कौन से आरएसएस के व्यक्ति ने अपना पैसा पिछले कुछ सालों में, 10 सालों में बढ़ाया है बीजेपी के, उसके लिए भी हम जनता से आह्वान करते हैं।
एक बात जो और निकल के आ रही है, जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन धोखा कर रहा है सुप्रीम कोर्ट से, और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये अपराध घोषित किया है, संविधान के खिलाफ अपराध घोषित किया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, उसी तरीके से ईवीएम भी भारत के संविधान के खिलाफ, भारत की जनता के खिलाफ और भारत के कानून के खिलाफ, जो अभी पार्लियामेंट का कानून है उसके खिलाफ एक अपराध है, धोखा है ईवीएम। तो देश की जनता को आज ये कमर कस लेनी चाहिए। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को ताकत दी तो ये जजमेंट आई है, और आप सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अदालत हो जनता की, जो अदालत है जिसने हमें अपने नौकरों को मजबूर किया है कि हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं आपके आगे। तो आप तैयार हो जाओ, ईवीएम का भी आप लोग गुजारिश करो सुप्रीम कोर्ट से कि फैसला करो, वो भी अपराध है, वो भी गुनाह है, वो भी संविधान के खिलाफ अपराध है। तो जनता को अपना आंदोलन और तेज कर देना चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट को और हिम्मत आए और वो और बहादुरी बड़े फैसले कर सके। आखिरी चीज़ मैं किसानों के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों का दिल, हम फिजिकली यहाँ बैठे हैं लेकिन हमारे दिल सब लोगों के और हमारी सोच सारी उन किसानों के साथ है जो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, जो देश की जनता के लिए, जो खेतिहर मजदूरों के लिए, जो ट्राइबल्स के लिए, जो देश के आम नागरिकों के लिए, जिनको ये गंदे घिनौने कानून ला के जिनके खाने के पैसे बढ़ाए जाने वाले थे, उनको जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा दिल उनके साथ है। हम आपकी मदद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, तैयार बैठे हैं वकील भी और हमारे बाकी साथी भी जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के साथी और सिपाही हैं, सब आपके लिए तैयार बैठे हैं। आप चिंता मत करो, आप दिल्ली से बाहर कर रहे हो प्रोटेस्ट, जल्दी ही आप लोगों से कोऑर्डिनेट करके आपके नुमाइंदे बन के हम ये दिल्ली के अंदर आपका प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा हम वादा कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं